और ये जो अभी ये फिक्स है ये भी इंशाल्लाह शाम को या कल सुबह इधर शिफ्ट कर देंगे। ये वाली वो फीमेल है जिसने माशाल्लाह जो है बच्चा एक निकाला है। अभी इसके सामने मैं आलीशान को कहूंगा कि अब बाजरा ने इसको फीड डालनी शुरू करेगा। कितना प्यारा बेबी है दोस्तों, ये देखें ये टर्की के हैं और बाकी जो अंडे हैं वो मुर्गी के हैं। अभी मैं इसके नीचे से वो अंडे उठा लेता हूँ जिसके बच्चे दोस्तों बिल्कुल निकलने वाले हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी चार ये अंडे मैं ले आया हूँ, ला के ये इस मुर्गी के नीचे रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जिन दोस्तों की औलाद नहीं है अल्लाह सुभान ताला रमजानुल मुबारक के सदके उनको औलाद नरीना से नवाजे। और देखे माशाल्लाह दोस्तों टाइम हो गया इस टाइम तकरीबन 4 बजे का और व्यू देखे माशाल्लाह, जैसे जैसे मौसम खुला बेहतर हुआ तो ये देखें घास भी बड़ा आउट क्लास होना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ ये जो सुनसान मतलब हमारी फेंस पड़ी थी बिल्कुल सुनसान थी, इसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं था। और अब जब ये बेल जो है हमारी अंगूरों वाली ये फूटना शुरू हुई है तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा व्यू निकला है, बहुत ही खूबसूरत व्यू निकलना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारा एक छोटा सा बेबी और आया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपको दिखाता हूँ और सारी चीजें शेयर करेंगे आज की रूटीन की आपकी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों आज हमने फार्म को अंदर से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया, माशाल्लाह देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो अभी ये फिक्स है ये भी इंशाल्लाह शाम को या कल सुबह इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हम कल करवाने जा रहे हैं ये फ्री मेडिकल कैंप। और ये वाली वो फीमेल है जिसने माशाल्लाह जो है बच्चा एक निकाला है। अभी इसके सामने मैं आलीशान को कहूंगा कि अब बाजरा ने इसको फीड डालनी शुरू करेगा। ये देखें ये अंडा है एक और नहीं भी बच्चा था दोस्तों, बच्चा कहाँ गया। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बेबी है दोस्तों, ये देखें। और ये एस्ट्रोलैब का बेबी है, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत बेबी है ये। अभी इसने कुछ खाया पिया नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है और बहुत ही प्यारा बेबी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक बाकी चिक्स भी जो हैं सारे के सारे निकल आएंगे तो उसके बाद काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अभी ये देखें माशाल्लाह ये फीमेल है, ये दोबारा भी जाएगी और उस बच्चे के ऊपर बैठ जाएगी। अभी ये देखें मुझे ये टेंशन है कि उसको कहीं नीचे तो नहीं दे दिया, लेकिन माँ हमसे ज्यादा समझदार है वो नीचे नहीं देगी। ये देखें ये हमारा सारा चारा पड़ा हुआ है जो जानवरों को डालते हैं सारा दिन में। और इस साइड पे ये देखें माशाल्लाह ये वाले चूजे, ये भी जबरदस्त है माशाल्लाह, ये दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। और इस साइड पे भी हमारी दूसरी फीमेल बैठी हुई है जो सुल्तान के साथ लगी हुई थी और अब वो जो है वो यहाँ पे कुड़क हो गई है और बैठी हुई है। दूसरी तरफ आपको थोड़ी सी ब्रीड भी आप चेक करवाता हूँ कि माशाल्लाह ब्रीड फिर आ रही है और बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दफा फिर से ब्रीड स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ एक फीमेल है जो बहुत मार सी है, ये देखें इसके पास भी माशाल्लाह बच्चे हैं 3-4। और इधर भी आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह, ये देखें ये भी आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। और इस साइड पे भी माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह बच्चे हैं और ब्रीड माशाल्लाह काफी अच्छी आ रही है। और ये वाला पेयर है ये अभी तक फीमेल जो है इधर जो फ्रंट पे है ये ब्लू 2 की फीमेल है, अभी तक इसने अंडा नहीं दिया। मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम एक क्लच हमें ये दे जाए, हमें ये क्लियर हो जाए कि ये है क्या। और इस साइड पे क्रीमिनो टू डेकिनो का पेयर था, ये थोड़ा सा ट्रैश में गया था जिस वजह से मैंने इनको खत्म कर दिया, मीन के मैंने इनके बॉक्स उतार लिया। और यहाँ पे भी देखें माशाल्लाह पट्टे वगैरह काफी सारे आए हुए हैं, अभी इन पट्टों को निकाल लेंगे हम इंशाल्लाह। और इधर दोबारा ये पेयर ब्रीड के लिए तैयार हो रहा है।
दोस्तों आज सारे पौधों वगैरह को हमने स्प्रे कर दिया है, जिसकी वजह से जो मुर्गियां वगैरह या जितनी भी चीजें हैं उनको बिल्कुल हमने बांध रखा हुआ है। ये देखें, ये सुल्तान और इसके साथ जो इस टाइम दो फीमेल्स हैं वो भी हमने बिल्कुल आपके सामने ये देखें ये बांध की हुई है। इसने कल, जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा हुआ, ये फीमेल भागी फिर रही थी ये वाली, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक अंडा दे दिया, और लेकिन हमने इसको इस वजह से बंद किया हुआ है। वैसे तो ये सारा दिन खुली रहते हैं कि स्प्रे हुई हुई है, ये ना कोई काम खराब हो। और माशाल्लाह ये हमारे चित्रों की जोड़ी बड़ी आउट क्लास है, खुशो खुरम फिर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ब्रीड कर जाएंगे। और इस साइड पे रैबिट्स का अगर आपको दिखाऊं तो रैबिट्स ने एक काम बहुत खराब किया दोस्तों, कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने होल बना लिया। पता नहीं यहाँ पे बनाया था, ये देखें ये होल बनाया, ये फीमेल है मेरे ख्याल, और इस साइड पे भी एक फीमेल बैठी है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही ब्रीड आ जाएगी। इधर भी एक पीस बैठा है, फीमेल है कि मेल है पता नहीं, एक इधर है एक इधर है, ये देखें। इन सब ने अपना अपना जिस तरह घर होता है ना उसी तरह सेट कर लिया, और यहाँ पे अपने अपने घरों में बैठते हैं और ब्रीड के लिए रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह। दोस्तों इस मुर्गी के पास अंडे बिल्कुल थोड़े से हैं, एक दो अंडे टर्की के हैं और बाकी जो अंडे हैं वो मुर्गी के हैं। अभी मैं इसके नीचे से वो अंडे उठा लेता हूँ जिसके बच्चे दोस्तों बिल्कुल निकलने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये बच्चे निकलने वाले हैं, अभी आज रात में निकल आएंगे। अभी मैं देखता हूँ और देख के जितने भी वो बच्चे हैं जो कि आज रात निकल जाएंगे, वो वाली व्हाइट वाली मुर्गी जो हमारी उस साइड पे कूड़क हुई हुई है उसके नीचे रख देते हैं, क्योंकि ये फिर फ्री हो जाएगी और दोबारा ये एग लेइंग करेंगे और दोबारा ब्रीड पे आएगी ये फिर। दोस्तों अभी चार ये अंडे मैं ले आया हूँ, ला के ये इस मुर्गी के नीचे रख देते हैं, क्योंकि इसके नीचे काफी सारे अंडे हैं और वो फर्टाइल हैं, और जितने भी होंगे बच्चे वो एक के नीचे रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। अभी आराम से पहले इनको नीचे रखते हैं, ये देखें, रखने के बाद फिर आराम से इस मुर्गी को उठाता हूँ, और उठाने के बाद फिर इसके नीचे, ये देखें दोस्तों, अभी तो फिलहाल इसके पास सिर्फ एक ही बच्चा निकला है। अब इसकी जगह को भी थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ये देखें बाकी सारे अंडे हैं, लेकिन ये देखें ये भी हैच हो रहा है और इंशाल्लाह ये भी सुबह तक हैच हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, ये सारे अंडे हमें यहाँ शिफ्ट करने हैं। दोस्तों ये बार बार मुझे तंग कर रही है कि यहाँ पे हमें आने दो, ठीक है। अभी ये देखें ये भी अंडा जो है वो हो रहा, और ये देखें ये इसका चूजा। दोस्तों देखें माँ की ममता वो बच्चे को कह रही है आप मेरे नीचे आ जाओ, और मैंने इसके नीचे सारे अंडे रख दिए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुबह तक हैच हो जाएंगे। और जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसके अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और मैंने ये कलवंजी रख ली, एक दोस्त ने कहा मच्छर नहीं काटता कलवंजी अगर हो तो, दूसरी तरफ है दोस्तों जो वो मैंने ये मच्छरदानी की जो होती है मच्छर के लिए जो होती है वो भी लगा दी है, और इंशाल्लाह इसके लिए सुबह जब मैं जाऊंगा तो इसके लिए मच्छरदानी भी ले आऊंगा। अभी फिलहाल ये इसके नीचे बैठ गई है, और सुबह इंशाल्लाह आपको इसकी फिर दोबारा अपडेट दूंगा कि इसका क्या हुआ। दोस्तों आज की वीडियो पर यहीं पर इख्तिताम करते हैं, नई वीडियो में हाजिर होंगे, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।